कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर टीम का गठन किया है। इस टीम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का नाम दिया गया है। उज्जैन के नागदा में रविवार को इस टीम का प्रशिक्षण का कार्यक्रम मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों और योगाचार्यों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोरोना से बचाव की टिप्स दिए और कार्यकर्ताओं की टीम का मार्गदर्शन किया। पिछली बार ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी, पिछली बार रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी, अन्य मेडिसिन की इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार प्राणवायु ऑक्सीजन हो गया, किसी को पता नहीं था। भगवान ने मुक्तेश्वर से प्रार्थना करने की तीसरी लहर आएगी, लेकिन किस रूप में आएगी ये पता नहीं, उस समय क्या जरूरत पड़ेगी यह भी पता नहीं। ये बात भी सही है कि जिसने प्रयोग नहीं करा वो बच गया, और जो केवल घर में प्रयोग करता है, मुझे भी जब कोरोना हुआ तो शाम को लगभग 7:15 पे, जबकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे बिल्कुल भी, पर चूंकि पिछली बार 2020 में जब कोरोना महामारी आई तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार सक्रिय था। जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन हमने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक करके वार्ड वाइज जवाबदारियां ली, और इससे मुझे चिंता हमेशा यह लगी रहती थी कि ऐसा नहीं होगी हम भी कोरोना संक्रमित हो जाए, और इसे 5-7-8 दिन के अंदर में टेस्ट कराई देता था सावधानी के रूप में। यह भी एक निवेदन है आपसे।